दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लोरडाइजेपॉक्साइड टेबलेट के बारे में, जो कि एक साइकेट्रिक मेडिसिन है लेकिन कॉमन पेशेंट को भी यूज ली जाती है। जानेंगे इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन को पूरी डिटेल से, जिसमें इसके ब्रांड नेम्स, इसके यूज किन किन मरीजों को दिया जाता है, वो कौन मरीज है जिसे ये दवा नहीं दी जा सकती, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, इसके डोज, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसकी सबसे डेंजरस बात के बारे में, उस सबसे डेंजरस पार्ट के बारे में जो कि हैबिट फॉर्मिंग। कंप्लीट डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको क्लोरडाइजेपॉक्साइड टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्लोरडाइजेपॉक्साइड एक सेडेटिव एंड हिप्नोटिक मेडिसिन है, जो कि बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की सबसे पहली दवा है। यह जो दूसरे बेंजोडाइजेपिन मेडिसिन है उससे बिल्कुल सेफ है, सेफर मेडिसिन है। क्लोरडाइजेपॉक्साइड सिंगल साल्ट में अवेलेबल है, साथ ही कॉम्बिनेशन साल्ट में भी अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ क्लोरडाइजेपॉक्साइड सिंगल साल्ट टेबलेट और कैप्सूल के बारे में सीखेंगे। यह जो टेबलेट है आपको 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम तथा 25 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ मिल जाती है, और क्लोरडाइजेपॉक्साइड टेबलेट तथा कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में बनाया जाता है। और यह इसकी जो टेबलेट अवेलेबल है मार्केट में, वो आपको सुगर कोटेड मिलती है, जिसे आप तोड़कर बिल्कुल नहीं ले, जैसे ही आपको बना के दी है कंपनी ने, बिल्कुल पानी के साथ निगल लें, उसका अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। क्लोरडाइजेपॉक्साइड दवा का जेनेरिक नाम है, यह आपको मेडिकल स्टोर पर इसी नाम से मिल जाता है। इसके अलावा भी ब्रांड नेम की आपको आवश्यकता होगी जब आप मेडिकल स्टोर से खरीदेंगे। सबसे जो पॉपुलर इसका ब्रांड नेम है, जो फ्रीली अवेलेबल है, वो लिब्रियम टेबलेट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो अबॉट कंपनी की लिब्रियम टेबलेट है वो क्लोरडाइजेपॉक्साइड ही है, ये आपको फ्रीली कहीं पे मिल जाती है। इसके अलावा इक्विरोन टेबलेट, इक्विब्रियम टेबलेट, लिबोक्सिन टेबलेट, ये कुछ इसके ब्रांड्स है जो आपको और मार्केट मिल जाएगी। और इसके अलावा भी कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, लेकिन इसकी जो मूल दवा रहेगी, जो साल्ट रहेगा, वो क्लोरडाइजेपॉक्साइड ही रहेगा। इसके यूज के बारे में अगर जानते हैं क्या क्या इसका यूज होता है, वैसे तो साइकेट्रिक मेडिसिन ने सेडेटिव हिप्नोटिक्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका जो यूज है बिल्कुल कॉमन भी किया जाता है। इसका मुख्य यूज है एंजाइटी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। एंजाइटी एक मानसिक स्थिति जिसे हम हिंदी में चिंता भी कहते हैं, जो भविष्य को लेकर व्यक्ति चिंतित रहता है, व्यक्ति के मन में डर सा रहता है, बेचैनी रहती है, मन में कंट्रोवर्सी चलती रहती है, जिससे सारे दिन वो गुमसुम सा बैठा रहता है, तो उस स्थिति को एंजाइटी बोलते हैं, बिल्कुल चिंता करता रहता है, तो उस समय यह दवा दी जाती है, तो बहुत ही अच्छा पेशेंट को फायदा होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम है, मतलब बहुत ही ज्यादा व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा होता है, बहुत डिपेंड हो जाता है फिजिकली और साइकोलॉजिकली, और जब उसको छोड़ने की इच्छा होती है व्यक्ति को, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सर में दर्द रहता है, हाथ पांव में पूरा दर्द रहता है, बेचैनी सी व्यक्ति को रहती है, बार बार शराब पीने का उसको मन होता है, चिड़चिड़ापन सा उसको रहता है, तो ऐसी स्थिति को अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। तो उस समय भी यदि क्लोरडाइजेपॉक्साइड टेबलेट दी जाए तो बहुत ही अच्छा पेशेंट को फायदा करती है। साथ ही इनसोम्निया नाम से एक बीमारी, जिसे हम स्लीपलेसनेस कहते हैं, हिंदी में उसे अनिंद्रा कहते हैं, मतलब व्यक्ति को बहुत ही कम नींद आती है, या नींद बार बार जागती रहती है, या नींद अगर एक बार उठ जाए वापस नहीं सो पाता, इस तरह से कुछ इसके लक्षण होते हैं, तो उस समय यदि एक क्लोरडाइजेपॉक्साइड टेबलेट दी जाए तो पेशेंट को अच्छा फायदा होता है। साथ ही सर्जरी के पहले भी कई बार इसको दिया जाता है, क्योंकि एक बीमारी का नाम है एंजाइटी बिफोर सर्जरी प्रोसेस, मतलब सर्जरी के पहले व्यक्ति को चिंता होने लग जाती है, क्या मैं सही सर्जरी में हो पाएगी, क्या मैं ठीक रहूंगा या मैं मर जाऊंगा, इस तरह की चिंता रहती है, जिस कारण से उसके ब्लड में जो ब्लड प्रेशर है उसमें फ्लक्चुएशन आने लग जाता है, उस कारण से उसका प्रोफेशन टालना पड़ता है। तो उसको चिंता को ठीक करने के लिए भी, उस एंजाइटी को ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और कई बार स्टूडेंट्स में एग्जाम फियर होता है या रिजल्ट का फियर होता है, कोई एग्जाम आने से पहले उसको चिंता रहती है, रिजल्ट आने से उसको पहले चिंता रहती है, जो उसका मूड चेंज है, चिड़चिड़ापन रहता है, जो उदासी रहती है, उसको ठीक करने के लिए भी यह क्लोरडाइजेपॉक्साइड दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और कई बार महिलाओं में जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है, उनका एबॉर्शन हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, तो उस एबॉर्शन और मिसकैरेज से ओवरकम करने के लिए भी उसको दवा को दिया जाता है, जिससे कि उसकी एंजाइटी फीमेल को नहीं रहे। और इसके अलावा भी जो साइकेट्रिक डॉक्टर है अपने एक्सपीरियंस से, फिजिशियन डॉक्टर है जो अपने एक्सपीरियंस है, और भी इसके यूज लेते हैं।
और जो एक क्लोरडाइजेपॉक्साइड दवा है यदि किसी कॉम्बिनेशन में आएंगी तो इसके यूज बिल्कुल अलग हो जाएंगे, जिसके बारे में जब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। काफी अच्छी दवा है दोस्तों, सब पेशेंट को दी जाती है, बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी है जिसे ये दवा नहीं दी जा सकती, जिसे हम मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। वो मरीज जिसे ग्लाउकोमा की प्रॉब्लम हो, मतलब आंखों से संबंधित बीमारी है यदि ये हो, लीवर संबंधी कोई बीमारी हो, साथ ही स्लीप एपनिया हो, मतलब व्यक्ति को नींद आने के बाद में उसकी श्वास लेने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, श्वास नहीं ले पाता है, इसके अलावा कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, साथ ही कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर व्यक्ति को हो, तो इन सभी परिस्थितियों में अपने डॉक्टर को जरूर आप अवगत कराएं, ऐसी स्थिति में दवा नहीं दी जाती। और प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं दी जाएगी, और बाद में अगर बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज एडजस्ट करके जोर से इसको देते हैं। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन आप जरूर से ध्यान रखें। कॉन्ट्राइंडिकेशन के साथ में इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, जो कॉमनली साइड इफेक्ट है उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को कंफ्यूजन की स्थिति रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना मतलब कब्ज रहना, साथ ही ड्राउजीनेस मतलब उनिंदापन रहना, सारे दिन नींद आए जैसा लगना, चक्कर आना, लीवर संबंधी कुछ समस्याएं होना, स्किन का येलो हो जाना या आंखों का येलो हो जाना, इसके अलावा नोजिया रहना, महिलाओं में कई बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल का थोड़ा सा इरेगुलर हो जाना, ये कुछ साइड इफेक्ट देखे गए जो कॉमनली है। और इसके अलावा भी मसल्स में जो कोऑर्डिनेशन है ये नहीं होता है, तो ये इसके अलावा भी कोई अगर अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस दवा का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके और इसकी जगह कोई दूसरी टेबलेट दी जा सके। साइड इफेक्ट के बाद बढ़ते हैं इसकी डोज की तरफ, कितनी मात्रा में ये मरीज को दी जाती है, जैसा कि यह 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी जो दवा रहती है 1 से 3 टेबलेट पूरे दिन में दी जाती है और इस दवा को खाने के बाद में दिया जाता है। साथ ही ये जब शुरुआत में बात की थी सुगर कोटेड टेबलेट है, इसलिए इसे तोड़कर नहीं ले। सुगर कोटिंग करने का मेन उद्देश्य है क्लोरडाइजेपॉक्साइड जो टेबलेट है, जो पाउडर है, बहुत ही बिटर होता है, खारा होता है, जिससे कि पेशेंट को दवा लेते समय उल्टी हो जाती है, इस कारण उसे शुगर कोटेड करते हैं। तो आप शुगर कोटेड टेबलेट को बिल्कुल तोड़ के नहीं लें। साथ ही यह जो दवा है अदर मेडिसिन के साथ में भी दी जाती है और इसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है 2 हफ्ते से लगातार 4 हफ्ते ही होता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लें। और यदि कोई व्यक्ति इस दवा को 2 हफ्ते या 4 हफ्ते से ज्यादा लंबे समय तक, जैसे 4 से 6 महीने तक ले लेता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा डेंजरस इसका इफेक्ट है, उससे गुजरना पड़ता है। वो इसका है हैबिट फॉर्मिंग, मतलब इस दवा को लेने की मरीज की आदत पड़ जाएगी और यदि वो दवा नहीं लेगा तो उसे कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जिससे हम क्लोरडाइजेपॉक्साइड विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें व्यक्ति को तेज सिर दर्द होना, सीजर्स मतलब दौरे आना, कई बार पर्सनैलिटी में चेंजेज होना, हेल्यूसिनेशन रहना, इसके अलावा बॉडी में थकान रहना, कन्फ्यूजन की स्थिति रहना, इरिटेशन होना, साथ ही एंजाइटी होना भी एक इसका लक्षण है। जी हाँ दोस्तों, एंजाइटी के लिए जिस दवा को लेते हैं उसकी आदत पड़ने पर आपको एंजाइटी की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों इतना भयानक इसका विड्रॉल सिंड्रोम है, तो इसको मिनिमम जितना आपको डॉक्टर ने बताया उतना ही यूज करें। अब इतनी बात सुनने के बाद में आपके दिमाग में जरूर से आया होगा, यदि कोई व्यक्ति गलती से इसको ले ले 4-6 महीने के लिए, उसकी आदत बढ़ जाए तो क्या उसे छोड़ सकता है या उसको जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा? तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल बात नहीं, इस दवा को क्लोरडाइजेपॉक्साइड को जो हैबिट फॉर्मिंग है बिल्कुल ही छोड़ा जा सकता है, इसमें कोई डर की बात नहीं है। इसके लिए आपकी बॉडी को डिटॉक्सी करना पड़ेगा, मतलब आपकी बॉडी में अवेलेबल जो क्लोरडाइजेपॉक्साइड है उसको पूरी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, इसकी पॉइजनिंग को खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा भी इसकी डोज को धीरे धीरे रिड्यूस करके बंद किया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिक डॉक्टर की सहायता से ही संभव हुए। यदि आपके किसी परिवार के सदस्य या कोई फ्रेंड के ये दिक्कत हो रही है जो क्लोरडाइजेपॉक्साइड के हैबिचुअल हो गए, तो उन्हें साइकेट्रिक से मिलने की सलाह दें और उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे, उससे इनका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों विशेष तौर से ध्यान रखें, जब क्लोरडाइजेपॉक्साइड टेबलेट लेते हैं तो 2 से 4 हफ्ते ही लें, उससे ज्यादा आप नहीं लें। और ऐसा नहीं दोस्तों कि टेबलेट का आप ये डेंजरस इफेक्ट सुन के टेबलेट का बिल्कुल यूज नहीं करें, बहुत ही अच्छे फायदेमंद टेबलेट है, बहुत अच्छी दवा है, बहुत ही पुरानी दवा है जो बहुत अच्छा असर करती है। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने क्लोरडाइजेपॉक्साइड टेबलेट के बारे में बताई है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा डरावने इफेक्ट के साथ अच्छे इफेक्ट भी आपको मिले होंगे और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया तो जरूर से इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है इसे भी दबाएं, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मुफ्त में आपको मिले और मुफ्त में मेरा वीडियो आप देख पाए। आप तो अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ और देख लेते अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।